दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आमिर खान की फिल्म इंडिया में कमाई भले ही ना कर रही हो, लेकिन ओवरसीज कलेक्शन ने यह दिखा दिया है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है, क्योंकि ओवरसीज से जो कलेक्शन की रिपोर्ट आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 11 अगस्त को रक्षाबंधन के खास त्यौहार पर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के साथ आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी, और आज लाल सिंह चड्ढा को सिनेमाघरों में 6 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म के पूरे 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप आमिर खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट जोरों शोरों पर है, और वहीं दूसरी तरफ फिल्म कमाई करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। एडवर्ट चंदन के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसमें आमिर खान के साथ नागा चैतन्या और करीना कपूर भी अहम किरदार में थे, और वहीं फिल्म को पूरे इंडिया के अंदर लगभग 3500 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। और फिल्म का जो बजट है दोस्तों वो 180 करोड़ रुपए का है। और बात करूं मैं फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अपने पहले दिन फिल्म ने 12 करोड़ रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। दूसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमाए, और चौथे दिन फिल्म ने संडे को 10 करोड़ रुपए की कमाई की। पांचवे दिन मंडे को फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की, और फिल्म का पहले 5 दिनों का जो इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 45 करोड़ 50 लाख रुपए। वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था 55 करोड़ रुपए। ओवरसीज से फिल्म ने 35 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, और फिल्म का पहले 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 90 करोड़ रुपए हो चुका है। जहां दोस्तों 90 करोड़ रुपए हो चुका है फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन पहले सिर्फ 5 दिनों में। अब वहीं बात करूं मैं आज छठवें दिन की, तो इंडिया से फिल्म 3 करोड़ रुपए कमाने वाली है। वहीं ओवरसीज कलेक्शन जो होने वाला है वो कमाल का होने वाला है। तो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होने वाला है छठवें दिन का, वो होने वाला है लगभग 13 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 103 करोड़ रुपए पूरे वर्ल्ड में पहले 6 दिनों में होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी रफ्तार से फिल्म चलती रही तो अपना बजट निकालने में तो कामयाब रहेगी रहेगी, उसके बावजूद ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको इसमें क्या है कहना, आपके इसमें क्या है राय, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।